अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और आप देख रहे हैं डाबाजी से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गन्ने के रो की मतलब गन्ने के रस की खीर बनाने का आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप गन्ने के रस की खीर किस तरह से बना सकते हैं। तो ये खीर बहुत ही लजीज बनने जा रही है और इसके लातदार फायदे हैं। तो ये खीर बनाना मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक कढ़ाई ली, इसमें मैंने 2 लीटर गन्ने का रस मैं शामिल कर दूंगा। आप इसमें जितना रस शामिल करना चाहें आप कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से बाकी इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे। और ये मैंने गन्ने का रस शामिल कर दिया, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। और आपने जब इन्हें उबालना है तो ऊपर ढकना वगैरह कोई चीज़ नहीं देनी है। अब मैं इसके उबलने का इंतज़ार करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये इसको उबाला आ चुका है। अब हम बीच में ये दही का इस्तेमाल, थोड़ा सा बीच में दही डाल देंगे। और जो सी इसके ऊपर आपकी ये लेहर सी दिखाई दे रही होगी, इसको हम उतारने के लिए दही का इस्तेमाल करेंगे। ये दही डाल के थोड़ा सा मैं हिला लूँगा, और ये लाकर मैं इस लेयर को इसकी मदद से ये इस तरह ये देखें आगे इसको उतार लूँगा। यह तो आना बहुत ज़रूरी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमने इसके ऊपर लेयर बिल्कुल मुकम्मल साफ़ कर दी। अब ये मैंने 1 कप चावल भगो के रख लिए थे। ये टोटा चावल ये है, अभी यही इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैंने भगो के रख लिए थे, और अभी ये मैं 1 कप गोए हुए चावल ये इसमें तमाम शामिल करने लगा हूँ। और ये चावल शामिल करने के बाद इसको आपने हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट तक लगातार पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और इसको उम्दा बनाने के लिए मैं बीच में 1 कप दूध का शामिल करूँगा। इस खीर की खास बात यह भी है कि यह शुगर को कंट्रोल करती है। इसको वो लोग भी खा सकते हैं जिनको शुगर है, इसे उनकी सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे, फिर ये पक कर तैयार हो जाएगी। लारा मान रहे हैं, और ये खीर हमारी पक चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।